दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से उन अस्पतालों की लिस्ट मांगी जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। केंद्र ने कहा कि लिस्ट अभी देने के बजाय वो कुछ देर बाद भी लिस्ट दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार कुछ समय बाद भी रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार पर मामले को सनसनीखेज बनाने का आरोप लगाया। कोर्ट में सुनवाई के इतर ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने बैठक के दौरान कहा कि राज्यों को बिना रुकावट ऑक्सीजन मिलना चाहिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति तेज होनी चाहिए, जमाखोरी करने वालों के खिलाफ राज्य एक्शन ले। साथ ही कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई के नए तरीके तलाशे जाएं। ऑक्सीजन को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि हम सभी अन्य पक्षों को निर्देश देते हैं कि आदेशों का कड़ाई से पालन हो, इस आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा और इससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत की संभावना बनेगी और ऐसा होने पर गंभीर आपराधिक एक्शन लिया जाएगा, ये अपराध माना जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि हम सभी अन्य पक्षों को निर्देश देते हैं कि वो अपने आदेशों का पालन करें, साथ ही केंद्र टैंकरों के लिए अतिरिक्त संरक्षण मुहैया कराएं। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि केंद्र ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए एक अलग कॉरिडोर तैयार करे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि हमें कल करीब 80 से 82 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हुआ है और आज हमें एक मीट्रिक टन भी प्राप्त नहीं हुआ। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली सरकार बेवजह इस मामले को सनसनीखेज बनाने में लगी है। इस मामले में संवेदनशील होने की जरूरत है, ना कि ट्वीट करके या सोशल मीडिया पर पैनिक फैलाकर। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि हरियाणा से ना देकर राउरकेला में ऑक्सीजन क्यों दी जा रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट अभी टला नहीं है। गुरुवार को कुछ अन्य अस्पतालों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है ताकि तुरंत मदद मिल सके। दिल्ली के सरोज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का कहना है कि उसके अस्पताल में 172 में से 64 पेशेंट्स को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। बता दें कि बीते दिन ही मैक्स अस्पताल ने हाईकोर्ट का रुख किया था। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।